टुडे इज द लॉर्ड्स डे संडे। आज प्रभु का दिन, आज रविवार का दिन है। आई वॉन्ट टू टेक यू ऑल फॉर अ साइट सीइंग टूर दिस मॉर्निंग। आज सुबह के समय मैं आपको सबको दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए ले जाना चाहता हूँ। विल यू ऑल कम विथ मी फॉर एन एक्साइटिंग साइट सीइंग टूर दिस मॉर्निंग। क्या आज सुबह के समय आप सब लोग मेरे साथ मिलकर वो दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए उत्साहजनक यात्रा पे आने वाले हैं? सम ऑफ यू में से पास्टर, संडे साइट सीइंग टूर इज नॉट वेरी गुड। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, पास्टर जी रविवार के दिन ऐसे दर्शनीय स्थलों को देखना ठीक बात नहीं। आई एग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत हूँ। बट दिस इज वन ऑफ द एक्साइटिंग साइट सीइंग टूर। लेकिन ये कोई एक उत्साहजनक यात्रा है जो दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए है। Somebody will tell you there are 7 wonders in the world and you will be taken on a tour to see all the 7 wonders in the world. Perhaps many people will be excited about it. मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि दुनिया में जो 7 आश्चर्य स्थान है उसको देखने के लिए आप सबको हम ले जाने वाले, तो क्या सचमुच आप ये सुनकर उत्साहित नहीं होंगे? द एंशियंट वर्ल्ड देयर वर 7 वंडर्स बट नाउ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम ऑल फिनिश्ड एक्सेप्ट द इजिप्शियन पिरामिड। प्राचीन संसार में इस प्रकार के 7 आश्चर्य थे लेकिन अभी वे सब कुछ मिट गए हैं, केवल मिस्र देश की पिरामिड शेष रह गई है। नाउ इन द प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो देयर आर 7 वंडर्स इन दिस वर्ल्ड। वन एज वी नो, वन इज ताजमहल, अनदर इज नायग्रा फॉल्स एक्सेट्रा। अभी वर्तमान आधुनिक संसार में भी हम 7 प्रकार के आश्चर्य को देखते हैं जो वर्तमान में है, उसमें से एक है नायग्रा फॉल्स है, ताजमहल है, इत्यादि इत्यादि है। बट दिस मॉर्निंग आई वॉन्ट टू टेक यू नॉट टू द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बट देर आर 7 ग्रेटेस्ट वंडर्स इन द वर्ल्ड ऑफ गॉड। लेकिन आज सुबह के समय मैं आपको संसार के 7 आश्चर्य को देखने के लिए ले जाना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर के वचन में दिखाई देने वाले 7 बड़े बड़े आश्चर्य के बारे में बताना चाहूंगा। All the 7 wonders or whatever wonders in the world will one day all perish, but these wonders will remain forever and ever. संसार के 7 आश्चर्य या जितने भी आश्चर्य वे सभी एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन ये जो एक अद्भुत बात है, ये जो आश्चर्य वो सदा के लिए बना रहेगा। It is time to turn to the word of God to see 7 greatest wonders that we find in the word of God. पवित्र शास्त्र में दिए गए जो 7 आश्चर्य में जो सबसे बड़े बड़े आश्चर्य को देखने के लिए यही सही समय है। डेफिनेटली दीज आर वी कैन कॉल द ग्रेटेस्ट वंडर्स और मोस्ट ब्लेस्ड थिंग्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। निश्चय ही ये सबसे बड़े बड़े आश्चर्य बने तो पवित्र शास्त्र में दिए गए सबसे धन्य अनुभव करके मैं कहता हूँ। 7 टू सी दी 7 वंडर्स शैल बी टर्न टू टाइटस चैप्टर 2:11-14। इन 7 आश्चर्यों को देखने के लिए आइए तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 11-14 वचन पढ़ेंगे। For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। Perhaps this may be one of the most wonderful texts in the whole Bible. पवित्र शास्त्र में एक सबसे मुख्य भाग रहा होगा। Here we find that 7 greatest wonders in the word of God. यहाँ पर हम पवित्र शास्त्र के 7 मुख्य आश्चर्य को देख सकते हैं। First, the most wonderful gift. पहला सबसे अद्भुत दान। 11th verse, grace of God. 11वां वचन परमेश्वर का अनुग्रह। God's grace is one of the wonderful gifts. I would say the greatest or most wonderful gift. परमेश्वर का अनुग्रह सबसे बड़ा एक दान है। मैं कह सकता हूँ कि सबसे अद्भुत और सबसे बड़ा एक जो दान होकर दिखाई देता है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। The grace that Jesus gives that really can change everything in our life. सचमुच ही परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन में सब कुछ बदल सकता है। ग्रेस ऑफ गॉड विल टर्न आवर डार्कनेस इनटू लाइट। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंधकार को ज्योति में बदल देगा। आवर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ।
हमारी कमजोरी को बल होकर बदल देगा, फिल्थीनेस इनटू होलीनेस, हमारी अशुद्धता को पवित्रता होकर बदल देगा, हेट्रेड इनटू लव, हमारे बैर को प्रेम में बदल देगा, आवर रिजेक्टेड फीलिंग इनटू एक्सेप्टेंस, रद्द किए गए जो स्वभाव है उसको स्वीकार किए गए स्वभाव को बदल देगा, डिस्करेजमेंट इनटू एनकरेज, हमारी निराशा को उत्साह में बदल देगा, डाउट इनटू फेथ, हमारे संदेह को विश्वास में बदल देगा, सैडनेस इनटू ग्लैडनेस, हमारे दुखों को हर्ष होकर बदल देगा, आवर फियर इनटू बोल्डनेस, हमारे भय को हिम्मत में बदल देगा, कंफ्यूजन इनटू पीस, गड़बड़ी की अवस्था को शांति की अवस्था को बदल देगा, होपलेसनेस इनटू होप, हमारी निराशा की अवस्था को आशा में बदल देगा, सिकनेस इनटू हेल्थ, हमारी बीमारी को आरोग्य होकर बदल देगा, द ग्रेस ऑफ गॉड विल कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हाँ परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के हर एक पहलू को पूरी तरह से बदल डालेगा, दैट इज द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट ऑफ जीसस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रिय लोगों यीशु मसीह का जो सबसे अद्भुत दान है वो है परमेश्वर का अनुग्रह, थैंक गॉड द ग्रेस ऑफ गॉड अपीयर्ड अनटू ऑल मेन, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का अनुग्रह हर एक मनुष्य के ऊपर प्रकट हुआ है, एवरी वन ऑफ अस इज ऑलरेडी गिवन ग्रेस थ्रू जीसस, हम हर एक को यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह दिया गया है, एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, सिटिंग हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप यहाँ पर बैठे हो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही श्वास लेते हैं, ग्रेस इज फ्लोइंग फ्रॉम कैलवरी फॉर दैट शैल बी प्रेज्ड गॉड, उसका अनुग्रह कैलवरी से बह रहा है, इससे आइए मिलकर हम प्रभु की तारीफ करेंगे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, एंड नेक्स्ट द मोस्ट वंडरफुल प्लान ऑफ गॉड, अगला परमेश्वर की सबसे महान अद्भुत योजना, मोस्ट वंडरफुल प्लान ऑफ गॉड इज सल्वेशन, वर्स 11, सबसे अद्भुत जो परमेश्वर का योजना है मनुष्य का उद्धार है, वचन 11, द ग्रेस ऑफ गॉड दैट ब्रिंगेथ सल्वेशन, परमेश्वर का अनुग्रह जो सब मनुष्य के उद्धार के लिए है, बिलोवेड चाइल्ड ऑफ गॉड यू आर सेव्ड बाई द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रिय परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आपने उद्धार पाया है, यू इट इज नॉट योर एफर्ट्स दैट और योर क्लेवरनेस और होलीनेस दैट ब्रॉट सल्वेशन, प्योरली द ग्रेस ऑफ गॉड, ये आपकी कोई चालाकी के द्वारा, आपकी कोई पवित्रता के द्वारा, आपके कोई परिश्रम के द्वारा आपको ये उद्धार नहीं मिला, लेकिन केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आपको उद्धार मिला, ऑलवेज थिंक अबाउट द डे दैट यू गॉट सेव्ड, हमेशा उस दिन को स्मरण करें जिस दिन आपने उद्धार पाया था, व्हाट ए मिजरेबल सिनर यू वर बिफोर जीसस सेव्ड यू, यीशु आपका उद्धार करने के पहले आप कितने अभागे पापी होकर दिखाई दिए थे, आई रिमेम्बर द डे दैट जीसस सेव्ड मी, मुझे वो दिन स्मरण है जिस दिन यीशु ने मेरा उद्धार किया, ओ आई वॉज गोइंग टू कमिट सुसाइड बाय टेकिंग पॉइजन, उस दिन मैं जहर खाकर आत्महत्या करने जा रहा था, बिफोर टेकिंग पॉइजन जीसस इंटरवीन, जहर लेने के पहले यीशु ने बीच में दखल दिया, आफ्टर दैट जीसस अपीयर्ड टू मी, उसके पश्चात यीशु मुझ पर प्रकट हुआ, जीसस टोल्ड मी ऑल योर प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय यू, यीशु ने कहा तुम्हारी सारी समस्याएं तुमने स्वयं अपने लिए बनाई हैं, ओ आई इट वाज अ ग्रेट डिस्कवरी फॉर मी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खोजबीन थी, ए जीसस वॉश्ड ऑल माय सिंस अवे, उस दिन यीशु ने मेरे सारे पापों को धो दिया, That day Jesus filled me with the Holy Spirit. उस दिन यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया. That day I decided to serve God. उस दिन ही मैंने यीशु मसीह की सेवा करने का फैसला कर लिया. There is anybody here who is not saved. यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया है. Today come to Jesus. आज आप यीशु के पास आ जाएं. Rather Jesus is coming to you. नहीं तो यीशु स्वयं आपके पास आ रहा है. Open your heart. अपने हृदय को खोल दें. He will forgive you. वो आपको क्षमा करेगा. He will heal you. वो आपको चंगा करेगा. He will give a new hope in your life. वो आपके जीवन में आपको एक नई आशा देगा. Before I got saved, I was one of the dullest students in the school. उद्धार पाने के पहले मैं विद्यालय का एक बहुत ही मंद बुद्धि वाला विद्यार्थी था. I failed in the first year itself and fourth year, fourth grade I failed and I was going like that in the school life. पहले वर्ष में ही मैं जो है चौथी ग्रेड तक मैं फेल होता रहा, ऐसे मेरा आजीवन आगे बढ़ता गया. लेट मी कट शॉर्ट द टेस्टिमनी एंड से दैट सिंस जीसस केम इनटू माय लाइफ आई फेल्ट अ न्यू ब्रेन गॉड गेव एंड आई केम आउट इन फ्लाइंग कलर्स इन माय एग्जाम. अपनी गवाही को संक्षेप में कहूं तो
जिस दिन से यीशु मेरे हृदय में आया उस समय से प्रभु ने मुझे एक नया दिमाग दिया और मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई में बहुत अच्छे तरह से पढ़ने लगा, अच्छे मार्क लेकर पास होने लगा। टुडे एज वी गो फर्दर इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, इफ देयर इज एनीबॉडी हु हैज नॉट गिवन योर लाइफ टू क्राइस्ट, टुडे गिव हिम एंड द मोस्ट वंडरफुल प्लान ऑफ गॉड सल्वेशन, यू विल कम इनटू दैट प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में आगे जाने के समय में अभी तक यहाँ पर यदि किसी ने उद्धार को प्राप्त नहीं किया तो आप यीशु मसीह के पास आइए। आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की महान अद्भुत योजना को पूरा करने के लिए आप उस उद्धार को प्राप्त करें। द थर्ड वंडर, द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ लाइफ, तीसरा जो जीवन का सबसे महान आश्चर्य होकर दिखाई देता है। द मोस्ट वंडरफुल लाइफ इज दैट वी लिव सोबरली राइटियसली एंड गॉडली इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। सबसे अद्भुत जीवन कहने से इस युग में हम संयम धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताना ही है। आई टेल यू क्रिश्चियन लाइफ इज द मोस्ट वंडरफुल। मैं आपको बताता हूँ कि मसीह जीवन कहने से सबसे अद्भुत जीवन है। दिस इज नॉट आई एम टेलिंग अबाउट द पीपल हु डिड नॉट रिसीव द होली स्पिरिट, दे कैन नॉट एंजॉय क्रिश्चियन लाइफ फुली। लेकिन जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं किया है वे लोग इस मसीह जीवन के आनंद को ठीक प्रकार से मना नहीं पाएंगे। रिसीविंग होली स्पिरिट इज flowing with the Christian experience, flowing with milk and honey. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना कहने से एक मसीह जीवन है जो कि दूध और मधु बहने का जीवन है। Once you receive the Holy Spirit, it is a life. Word of God says, joy unspeakable and full of glory. एक बार जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हैं तो उस जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक अवर्णनीय आनंद से भरपूर है जो महिमा से परिपूर्ण है। Everybody who has not received the Holy Spirit, I tell you, you don't enjoy the fullness of the glory and the goodness of God in Christian life. यदि यहाँ पर किसी ने अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने परमेश्वर की भलाई को, उसकी महिमा को पूर्ण रूप से अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है। Maybe a Christian, that is true. ये सच है कि आप एक मसीह होंगे। A bird can move two ways. One, it can walk. The other is it can fly. एक पक्षी दो तरह से आगे बढ़ता है, या तो वो चल सकता है नहीं तो उड़ सकता है। In one sense, if you have not received the Holy Spirit, you are a bird, but only you can walk. एक अर्थ में यदि आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है तो आप उस पक्षी के समान है जो केवल पृथ्वी पर चलता है। After receiving the Holy Spirit is a flying experience. You can overcome the lakes and the rivers and the mountains and the walls easily. You move out. लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के बाद एक उड़ने वाला अनुभव हो जाता है। उसके बाद आसानी के साथ आप पहाड़ों को, तराइयों को और तालाबों को आप पार करके जा सकते हैं। All those who have received the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues now shout hallelujah. अन्य भाषा के चिन्ह के साथ जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया अभी आप मिलकर हालेलुया बोलिए। एंड द अदर्स आल्सो आई टेल यू, इवन टू दिस मॉर्निंग सर्विस यू कैन बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड यू कैन गो आउट ऑफ दिस प्लेस स्पीकिंग इन टंग्स। दूसरे लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह के समय भी आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करके अन्य भाषा के चिन्ह के साथ आप अभिषेक पाके जा सकते हैं। Again I tell you, as Brother Paul from Canada gave the testimony and told, heaven came down and glory filled my soul. Beloved ones, that is the experience of being filled in the Spirit of God. इस प्रकार से भाई पॉल ने जो कनाडा से आए उन्होंने गवाही दी थी, उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि सच में स्वर्ग मेरे हृदय में आ गया और महिमा मेरे हृदय में भरपूर हो गई। जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हैं अनुभव आपका अनुभव बन जाता है। द मोस्ट वंडरफुल लाइफ इज लिविंग सोबरली righteously and godly in this present world, and that experience can only come by the help of the Holy Spirit. सबसे अद्भुत जीवन जो इस युग में हम बिता सकते वो है संयम धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताने का अनुभव है, और ये अनुभव पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम बिता सकेंगे। Only the people, those who receive the Holy Spirit and lived in the Spirit of God, they only when Jesus will come out of the tomb and out of this body to meet the Lord. केवल जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया और जो आत्मा की भरपूरी का जीवन बिताते हैं वे लोग ही यीशु मसीह के आगमन के समय में कब्र में से उठकर वे भी उसके साथ मिल सकेंगे। Maybe there may be some people who didn't receive the Holy Spirit. शायद हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है। Maybe some of you have not received a new anointing in this convention. शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस सम्मेलन में नया अभिषेक को प्राप्त नहीं किया हो। I believe this morning Jesus with all his glory and majesty is here to bless us and fill us also. आज सुबह के समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सारी महिमा और प्रताप के साथ हमारे बीच में आया हुआ है कि हमें आशीष करके हमें भरपूर करें।
Shall we close our eyes 1 minute? आइए एक मिनट के लिए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे. And if you believe, you will see God's glory this morning. यदि आप विश्वास करेंगे तो आज सुबह के समय आप प्रभु की महिमा को देख पाएंगे. Holy Spirit is the glory of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा है. If you believe, you will see the glory of God. यदि आप विश्वास करते तो आप प्रभु की महिमा को देखेंगे. In the name of Jesus, you will burst out in tongues. यीशु मसीह के नाम से आप अन्य भाषा बोलते रहेंगे. In the name of Jesus, you will burst out in tongues. यीशु मसीह के नाम से अन्य भाषा आपके मुंह से फूट निकलेगी. Let the fire of Holy Spirit come upon you now. अभी ही पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आने दो. हालेलुया बिलीव विश्वास करें. ओपन योर माउथ एंड स्पीक आउट. अपना मुंह खोलकर बोलिए. लेट ग्लोरी कम इन. वो महिमा अंदर आने दो. लेट ग्लोरी कम इन. वो महिमा अंदर आने दो. Beloved ones, let us go to the next wonder. प्रिय लोगों, आइए हम अगला आश्चर्य के बारे में देखें. Beloved child of God, you believe this morning God wants to bless you. परमेश्वर के बच्चे, आज सुबह के समय प्रभु आपको आशीष करना चाहता है. विश्वास करें. इवन इफ यू हैड बीन ए रेबेलियस पर्सन अगेंस्ट गॉड. चाहे आप परमेश्वर के विरोध में बलवा करने वाले व्यक्ति क्यों न हो. माई बाइबल सेज दैट ही लोडेथ विद गिफ्ट्स इवन टू द रेबेलियस ऑल्सो. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर बलवा करने वालों को भी उसने भेंट और दान दिए. टू गो होम एंड रीड साम 68:18 सेज इवन टू द रेबेलियस ही गिव्स गिफ्ट्स. भजन संहिता 68:18 आप घर जाके पढ़ के देख लीजिए. वहाँ पर कहा गया कि वो हटीली मनुष्य को भी भेंट देता है. इवन यू हैव बीन ए रेबेलियस बैकस्लाइडर, टुडे द ग्रेस ऑफ गॉड, द सैल्वेशन ऑफ गॉड, द वंडरफुल लाइफ ऑफ गॉड, द गिफ्ट्स ऑफ गॉड आर कमिंग टू यू. चाहे आज आप एक पीछे हटे हुए बलवा करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आज सुबह के समय परमेश्वर का वो अनुग्रह, परमेश्वर के दान, उसका उद्धार आपको प्रकट होता आ रहा है. How many of you believe that God brought you here to bless you? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए ले आया है? I believe God will honor your faith. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके विश्वास का आदर करेगा. In fact, right from Wednesday, God has been blessing us. वास्तव में बुधवार के दिन से लेकर लगातार प्रभु हमको आशीष करता आ रहा है. That even the procession that we had last Sunday was a really encouraging, blessed one. पिछले रविवार को हमारा जो जुलूस था वो भी सचमुच एक उत्साहजनक और आशीषित समय जुलूस होकर दिखाई दिया. Let us go to the fourth wonder in the word of God. परमेश्वर के वचन से हम चौथे आश्चर्य को देखेंगे. Most wonderful hope. सबसे अद्भुत एक आशा. Verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. वचन 13, उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे. Beloved ones, the most wonderful hope, the most blessed hope is the coming of the Lord. प्रिय लोगों, सबसे अद्भुत आशा, सबसे धन्य आशा वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन है. This may be the last convention here in Irimbulur. शायद हो सकता है कि ये इरिमलूर का अंतिम सम्मेलन होगा. In this convention only from few countries people have come. इस सम्मेलन में केवल कुछ देशों के लोग आए हैं. But very soon there is going to be an international convention in the mid sky. लेकिन बहुत जल्दी मध्य आकाश में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा. We will meet all the glorified saints there that time. उस दिन हम सारे महिमा में संतों को देख पाएंगे. Not only Jesus, but Saint Paul and Peter, all will be there. केवल यीशु मसीह नहीं, लेकिन प्रेरित पौलुस और पत्रस सभी लोग वहाँ पर होंगे. Maybe Saint Paul may shake hand and say, Brother Prabhakaran, how did you come here?
शायद प्रेरित पौलुस हमारा हाथ मिलाकर पूछेगा, पास्टर जी आप यहाँ पर कैसे आए हैं? By the way, tell me, what will you want? Amen. He will say, by the grace of God. मेरे प्रभु के अनुग्रह से मैं आया हूं, ऐसा आप कहेंगे. When you will be asked, Sampath, how did you come here? फिर वो पूछेंगे, संपत आप यहाँ पर कैसे आए हैं? He will shout and say, by the grace of God. वो भी ऊंचे शब्द से कहेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से आया हूँ. Oh, we all will shout and say, by the grace of God I have come. हम सब लोग ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहेंगे, हाँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से यहाँ पर आया हूँ. Hallelujah, 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 hallelujah. We may say, Lord, I never thought I will come here. हम कह सकते कि हे प्रभु, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर आ पाऊंगा. You know, I had lot of mistakes. हे प्रभु, मेरे अंदर कितनी कमी घटियाँ थी. I thought I will never make it. मैंने सोचा मैं कभी नहीं पहुँच पाऊंगा. But you made it possible. लेकिन आपने इसे संभव करके दिया. And it's all your grace. और ये सब आपका ही अनुग्रह है. Beloved ones, none of us deserve to go at the rapture. प्रिय लोगों, हम में से कोई भी उस आगमन में जाने के लिए अब योग्य नहीं है. If you look to your life, it is rotten. There is nothing goodness in it. Even if another 100 years are given to you, you can never be ready for the rapture. अपने जीवन को जब आप जांच के देखते हैं, तो चाहे आपको और भी 100 वर्ष दिए जाए, फिर भी उसके आगमन में तैयार होने के लिए आपके अंदर कोई योग्यता नहीं. वो एक सड़ा हुआ अनुभव में दिखाई देता होगा. If you look to your life, you can never be ready. यदि आप अपने जीवन को देखते तो आप कभी भी तैयार नहीं हो पाएंगे. But looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, then the Lord will make it for us. लेकिन जब यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, उसकी ओर देखने से वो हमारे लिए उसे संभव बनाएगा. That looked unto him were enlightened, their faces were not ashamed. जिन्होंने उसकी ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह फिर कभी काला नहीं होने पाया. Look unto yourself, you will be put to shame. यदि आप स्वयं को देखेंगे तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे. Dear child of God, you have been thinking, I will be left behind. Today, Jesus is speaking to you. हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चे, शायद आप सोच रहे होंगे, आज मैं हाथ छोड़ा जाऊंगा. लेकिन नहीं, प्रभु आपसे बात कर रहा है. The grace of God we got saved. परमेश्वर के अनुग्रह से हमने उद्धार पाया. By the grace of God we took water baptism. परमेश्वर के अनुग्रह से हमने पानी का बपतिस्मा लिया. By the grace of God we received the Holy Spirit. परमेश्वर के अनुग्रह से हमने पवित्र आत्मा पाया. By the grace of God he kept us up. परमेश्वर के अनुग्रह ने अब तक हमें संभाला. By the grace of God we will go when he. और परमेश्वर के अनुग्रह से जब वो आएगा हम जा सकेंगे. The grace of God will prepare us, beloved ones. प्रिय लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह हमको तैयार करेगा. By the grace of God we will go lifting up our hands and praise God. By the grace of God when he comes we. परमेश्वर के अनुग्रह से जब वो आएगा तो मैं जाऊंगा, अपने हाथों को उठा के आइए, हम तारीफ करेंगे. हालेलुया. आमेन. ग्रेस ऑफ गॉड कैन ट्रांसफॉर्म अस, बिलवड वन. प्रिय लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा रूपांतर कर सकता है. वन मैन ऑफ गॉड सेज द वर्ड ग्रेस, GRACE, इज लाइक गिफ्ट रिसीव्ड एट द एक्सपेंस ऑफ क्राइस्ट. एक व्यक्ति ने जो अनुग्रह शब्द है अंग्रेजी में ग्रेस, उसका इस प्रकार से अनुवाद किया है, गिफ्ट रिसीव्ड एट क्राइस्ट एक्सपेंस. सॉरी, गिफ्ट रिसीव्ड एट क्राइस्ट एक्सपेंस. मसीह ने अपना दान देने के द्वारा हमको अपना मोल लेकर हमें खरीद लिया, वो हमारे लिए दान है. ओ बिलवड वंस, दिस इज द मोस्ट ब्लेस्ड होप ऑफ कमिंग ऑफ द लॉर्ड. हाँ प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए सबसे धन्य आशा है. लेट अस गो टू द फिफ्थ वंडर इन द वर्ड ऑफ गॉड. अभी परमेश्वर के वचन से हम पांचवें आश्चर्य को देखेंगे. मोस्ट वंडरफुल सैक्रिफाइस, सबसे अद्भुत बलिदान. वर्स 14, ही गेव हिमसेल्फ फॉर अस. बिलवड वंस, दैट इज द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट वंडरफुल सैक्रिफाइस. ये लोग, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, वही सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत बलिदान है. देर आर सो मेनी पीपल, ग्रेट पीपल डाइड एंड बिकेम मार्टर्स फॉर वेरियस फॉर नोबल थिंग्स. कितने बड़े बड़े लोग हैं जो कि शहीद हो गए और कई बड़े बड़े कामों के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया. बट देर इज नो सैक्रिफाइस लाइक द सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट व्हेन वी वेर येट सिनर्स, ही डाइड फॉर अस. लेकिन मसीह के बलिदान के समान और कोई बलिदान नहीं, जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मर गए. बिलीवर्ड वंस, वन डे आई हैड अ विजन ऑफ जीसस डाइंग ऑन द क्रॉस. प्रिय लोगों, एक दिन मैंने दर्शन देखा कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ है. आई सॉ द क्राउन ऑफ थॉर्न्स, हाउ ही वाज ब्लीडिंग.
मैंने उसके कांटों का मुकुट देखा और कैसे उसका खून बह रहा था। सो आई व्हेन आई हैड द विजन ऑफ दैट सैक्रिफाइस बिलवड वंस इमीडिएटली आई सरेंडर्ड माई लाइफ टू सर्व हिम हु मेड दैट सुप्रीम सैक्रिफाइस। जब मुझे उस बलिदान के बारे में दर्शन मिला तुरंत ही मैंने अपना मन बना लिया कि इतना एक अद्भुत बलिदान करने वाले के लिए सेवा करने को मैं अपने जीवन को समर्पण करूंगा। बिलवड चाइल्ड ऑफ गॉड इफ यू रियली अंडरस्टैंड द सैक्रिफाइस द सफरिंग दैट ही हैज गॉन थ्रू फॉर यू एंड मी इन रिटर्न विद अ ग्रेटफुल हार्ट यू विल से लॉर्ड यू हैव डन दिस मच फॉर मी आई वॉन्ट टू सर्व। ये परमेश्वर के बच्चे जब आप उस प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के बारे में स्मरण करेंगे कि इस प्रकार उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया, जब आप इस बात का एहसास करेंगे तो उसके बदले में आप इस प्रकार कहेंगे, हे प्रभु मैं अपने आप को तेरे आप में तेरी सेवा करने के लिए अपने आप को मैं अर्पण करता हूँ। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल एवरी डे गोइंग टू हेल, व्हाट आर यू डूइंग फॉर जीसस? कितने मिलियन मिलियन लोग प्रतिदिन नरक में जा रहे हैं, आप यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? If you really love him, you will really serve. यदि आप सचमुच यीशु को प्रेम करते हैं तो निश्चय ही आप उसकी सेवा करेंगे। Greatest privilege on this earth is nothing but serving the King of Kings and the Lord of Lords. प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा की सेवा करना, इससे बढ़कर इस संसार में और कोई बड़ा सौभाग्य नहीं। Beloved ones, I am from a poor family. प्रिय लोगों, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। Don't have much of an education. मुझे इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। And I was one of the dullest students in the school. मैं विद्यालय का एक सबसे मंद बुद्धि वाला विद्यार्थी था। I was one of the worst students in the school, being suspended very often because of my naughty character. आपने विद्यालय का सबसे बुरा विद्यार्थी था और मेरे शरारती स्वभाव के कारण बार बार मुझे स्कूल से निलंबित कर दिया जाता था। I was such an angry man, when I get angry I destroy things. मैं इतना क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति था, जब मुझे क्रोध आता था मैं कई वस्तुओं को नाश कर देता था। इन द स्कूल आई यूज टू स्टील थिंग्स फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन। विद्यालय में दूसरे विद्यार्थियों की वस्तुओं को मैं चुराता था। इफ जीसस कुड चेंज मी टू सर्व गॉड फॉर विच आई एम लीस्ट वर्दी आई एम श्योर यू ऑल कैन कम आउट टू सर्व गॉड। मैं जो बिल्कुल भी इसके योग्य नहीं थे, यदि यीशु मुझे बदल सका कि मैं प्रभु की सेवा कर सका तो मुझे पूरा निश्चय कि प्रभु आपको भी बदल सकता है। आउट ऑफ जायन द परफेक्शन ऑफ ब्यूटी Jesus is calling you, come my child to serve me and love me. सियोन से जो परम सुंदर है वहाँ से यीशु आपको बुलाता है, हे मेरे बच्चे तू मेरी सेवा करने के लिए मुझसे प्रेम करने के लिए तो आ जा। If I can serve God, such a worst person like me, dull person like me, you all surely you can serve the Lord. यदि मेरे समान इतना बुरा व्यक्ति, मेरे समान इतना मंद बुद्धि वाला व्यक्ति प्रभु की सेवा कर सकते हैं तो निश्चय ही आप सब भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। If you hear his voice, harden not your heart. आज यदि आप उसका शब्द सुनते हैं तो अपने हृदय को कठोर न करें। His love is calling you now. उसका प्रेम अभी आपको बुला रहा है। My child, I will give you grace. मेरे बच्चे, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। My child, fear not to serve me. मेरे बच्चे, मेरी सेवा करने के तू मत डर। I am your El Shaddai, mother like God. मैं तुम्हारा एल शद्दाई, तुम्हारा माँ के समान परमेश्वर हूँ। इफ यू आर व्हेन यू आर सर्विंग गॉड इन ए वे यू आर सर्विंग यू आर लविंग मदर। एक तरह से जाए यदि आप प्रभु की सेवा करते तो दूसरी तरफ से देखा जाए तो आप अपने प्रेम करने वाली माँ की सेवा कर रहे हैं। ओह मदर लाइक गॉड इज कॉलिंग यू, फियर नॉट माय चाइल्ड, कम एंड सर्व मी, आई विल हेल्प यू। हाँ, माँ के समान प्रभु आपको बुला रहा है कि मेरे बच्चे मत डर, मेरी सेवा करने के लिए निकल आ, मैं तेरी सहायता करूंगा। नाउ लेट अस गो टू द Sixth wonder in the word of परमेश्वर के वचन के छठे आश्चर्य को देखेंगे। The most wonderful work, सबसे एक अद्भुत काम। What is the most wonderful work, सबसे अद्भुत काम कौन सा है? Verse 14, to redeem us from all iniquity and purify us. 14 वचन, हमें सब प्रकार के अधर्म से छुड़ाकर हमें शुद्ध करने के लिए। Most wonderful work of God is to redeem us from all iniquity and to purify us. प्रभु का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म ये जो है, हमें सब प्रकार के अधर्म से छुड़ाकर हमें शुद्ध करना है। Oh God wants to deliver us from all iniquity. हाँ, परमेश्वर हमें सब प्रकार के अधर्म से छुड़ाना चाहता है। Pastor Don very often used to say that America is Sodom and Gomorrah. Pastor Don अक्सर ऐसा कहते थे कि अमेरिका कहने से वो सदोम और अमोरा के समान है। Almost all the people agree in America there are two reasons why America is Sodom and Gomorrah. अमेरिका के सभी निवासी लोग अधिकतर इस बात को मान लेते हैं कि दो कारण है कि क्यों अमेरिका सदोम और अमोरा के समान है। टेलीविजन इन अमेरिका
एंड द पब्लिक स्कूल्स इन अमेरिका. एक अमेरिका में जो दूरदर्शन है और दूसरा अमेरिका के पब्लिक स्कूल है. इट्स अ सैड थिंग दैट इन अमेरिका मेनी स्कूल्स दे हैव गॉट गार्ड्स एंड सम ऑफ द स्कूल्स दे चेक द स्टूडेंट्स वेदर दे हैव गन्स इन देयर पॉकेट बिफोर दे कम इनटू द क्लासरूम. अमेरिका के अधिकतर स्कूलों में गार्ड दिखाई देते हैं और स्कूल के में बच्चे आने के पहले उनकी तलाशी ली जाती है कि क्या उनके पास कोई बंदूक या पिस्तौल है कि नहीं. बट द फर्स्ट वन इज दैट इज टेलीविजन. लेकिन सबसे पहली बात जो दूरदर्शन है. इन इंडिया ऑल्सो आई कुड सी करप्शन इज रैपिडली क्रीपिंग इन टू दिस कंट्री. भारत में भी जो भ्रष्टाचार बहुत तेजी के साथ फैलते हुए मैं देख सकता हूँ. इफ यू हैव गॉट ए टेलीविजन सेट एट होम आई टेल यू इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड द होली स्पिरिट यू विथ योर मनी बॉट ए डेविल इन द हाउस. यदि आपके घर में टेलीविजन सेट है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपसे कहता हूँ कि आपने पैसा देकर एक शैतान को अपने घर में मोल लेके रखा है. आई कमांड यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एज सून एज पॉसिबल यू एज यू गो होम गेट रिड ऑफ दैट डेविल. मैं आपको प्रभु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि आप घर जाके जितना जल्दी हो सके उस शैतान को अपने घर से दूर कर दें. गॉड वांट्स टू डिलीवर अस फ्रॉम ऑल इनिक्विटी एंड प्यूरिफाई अस अनटू हिमसेल्फ. प्रभु हमें सब प्रकार के अधर्म से छुड़ाकर अपने लिए शुद्ध बनाना चाहता है. एंड द सेवंथ वन लेट अस गो टू द सेवंथ वंडर इन द वर्ल्ड. परमेश्वर के वचन के सातवें आश्चर्य को हम देखेंगे. मोस्ट वंडरफुल पीपल सबसे अद्भुत लोग. मोस्ट वंडरफुल पीपल इन द वर्ल्ड संसार में जो सबसे अद्भुत लोग हैं. 14 वर्स ए पीपल ए पेक्यूलियर पीपल जेलस ऑफ गुड वर्क्स. 14 वचन एक ऐसी जाति जो भले कामों में सरगर्म हो. ए पेक्यूलियर पीपल जेलस ऑफ गुड वर्क्स दे आर द मोस्ट वंडरफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड. एक विशेष जाति जो भले भले कामों में सरगर्म हो वही इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक लोग होकर दिखाई देते हैं. यू आर ए चोसन जेनरेशन आप एक चुना हुआ वंश है. रॉयल प्रीस्टहुड आप राजपदधारी है. ए होली नेशन एक पवित्र जाति है. पेक्यूलियर पीपल निज प्रजा है. शुड शो फॉरथ द प्रेजेस ऑफ हिम हू हैज डिलीवर्ड अस फ्रॉम डार्कनेस इनटू हिज मार्वेलस लाइट. कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुणों को तुम प्रकट करो. बिलीवर्ड वंस बिकॉज ऑफ जीसस वी आर पेक्यूलियर पीपल वी आर नॉट लाइक ऑल अदर पीपल. प्रिय लोगों यीशु मसीह के कारण ही हम विशेष लोगों को दिखाई देते हैं. हम साधारण लोग नहीं हैं. वी कैन नॉट कन्फॉर्म आवरसेल्व्स टू द वर्ल्डली वेज ऑफ फैशन. संसारिक रीति रिवाज फैशन के अनुरूप होकर हम बदल नहीं सकते. वाई डोंट अवर सिस्टर्स वेयर ऑर्नामेंट्स. हमारी बहनें क्यों गहने नहीं पहनती. दे आर पेक्यूलियर पीपल क्योंकि वे विशेष लोग हैं. गोइंग टू वॉक ऑन द सीट ऑफ गोल्ड इन जेरूसलम. यरूशलेम में हम सोने की सड़कों पर चलेंगे. गोइंग टू वॉक ऑन द सीट ऑफ गोल्ड हम सोने की सड़कों पर चलेंगे. सपोज नाउ यू वॉक ऑन द स्ट्रीट नाउ नॉट सपोज हियर वी वॉक ऑन द स्ट्रीट ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रीट्स और सम अदर स्ट्रीट्स विच आर टार्ड. यहाँ पर हम जो साधारण रूप से कंक्रीट की सड़कों में नहीं तो टार की सड़कों पर चलते हैं. इफ वन ऑफ दम विल टेक ए पीस ऑफ टार और ए कॉन्क्रीट आई विल पुट हियर व्हाट विल से मैड मैड वुमन लुक एट फ्रॉम द स्ट्रीट शी टुक ए पीस ऑफ कॉन्क्रीट एंड पुट. यदि कंक्रीट का नहीं तो तारकोल का एक टुकड़ा लेके मैं अपने कान या नाक में लगा दूं तो लोग कहेंगे कि देखो ये पागल मनुष्य पागल स्त्री है जो सड़कों पर चलने वाली उस कंक्रीट को लेकर इसने अपने कानों में लगाया हुआ है. बिलीवर वंस सून वी आर गोइंग टू वॉक ऑन द स्ट्रीट ऑफ गोल्ड इफ वी टेक ए पीस ऑफ दैट वे वी वॉक इफ वी पुट इट देयर इट इज मैडनेस. प्रिय लोगों बहुत जल्दी हम सोने की सड़कों पर चलने जा रहे हैं. यदि उसका टुकड़ा लेके हम अपने कानों में या नाक में लगाएंगे तो हम पागल कहलाएंगे. वंस अ मैन ऑफ गॉड टोल्ड यू नो व्हेन गॉड क्रिएटेड इन द हेड ही मेड सो मेनी होल्स हियर एंड देयर एंड ऑल. If God wanted you to wear some earrings, God could have made two holes here also. Do you think God has forgotten this and He remembered all other holes? एक बार एक परमेश्वर के जन्ने का जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उसके चेहरे पर जो आवश्यक थे वो छेद उसने बनाए थे. यदि परमेश्वर को लगता कि उसके कानों में भी छेद की आवश्यकता है उसको सोने के गहने पहनना है तो निश्चय ही वो छेद भी वहां पर बनाकर देता है क्योंकि परमेश्वर तो कभी भूलेगा नहीं. डोंट बी ए फूलिश वुमन रिमूव ऑल हिज फूलिशनेस एंड ग्लोरीफाई गॉड. एक मूर्ख स्त्री के समान न बने मूर्खता की सारी बातों को छोड़ दें सोने की सड़कों पर चलने के लिए आप तैयार हो जाएं. वी आर ए पेक्यूलियर पीपल वी डिडंट अपीयर लाइक अदर पीपल इन द वर्ल्ड. प्रिय लोग हम विशेष लोग हैं हम साधारण संसार के लोगों के समान नहीं हैं. आई रिमेम्बर वंस फर्स्ट अवर लेट
respected pastor Philip Chandrapillai, he went to visit an asylum. एक बार मुझे याद है कि एक बार हमारे स्वर्गवासी पास्टर फिलिप चांडपले वे एक पागलखाने में भेंट करने के लिए गए थे. बिकॉज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ दैट मेंटल असाइलम वॉज अवर बिलीवर, सो ही इन्वाइटेड, सो पास्टर फिलिप वेंट अराउंड द मेंटल असाइलम. जो कि उस मानसिक चिकित्सालय का सुपरिंटेंडेंट हमारा विश्वासी था, इसलिए एक बार उन्होंने पास्टर जी को अपने अस्पताल में आमंत्रित किया. आफ्टर सीइंग ऑल द मैड पीपल पास्टर फिलिप वॉज लीविंग द प्लेस. वहां के सारे पागल लोगों को देखकर पास्टर फिलिप वहां से वापस लौट रहे थे. तो all those mad people came to the window and they all started clapping hand and smiling. सारे पागल लोग खिड़की के पास आकर खड़े होकर अपनी ताली बजाकर वे लोग मुस्कुराने लग गए. पास्टर फिलिप asked the believer, why are they laughing? पास्टर फिलिप ने उस विश्वासी से पूछा, ये लोग क्यों हंस रहे हैं? Then the believer told us, pastor, they think you are mad. तब उन्होंने कहा, पास्टर जी, वे लोग सोच रहे हैं कि आप भी उनके समान एक हैं. Beloved ones, the people in the world will say when you remove all these things that you are mad, but we know who are mad. प्रिय लोगों, यदि आप इन सारी बातों को उतार देंगे तो संसार के लोग आपको देखकर कहेंगे कि आप पागल हैं, लेकिन हम जानते हैं कि लोग पागल कौन हैं. Hallelujah! Hallelujah! Definitely those who take the tar and concrete and put it here, they are mad. निश्चय ही जो तारकोल और कंक्रीट लेकर अपने कानों और नाक में लगा लेते, वे लोग पागल हैं. The most wonderful people, the peculiar people, the holy nation we are. हम इस संसार में सबसे अद्भुत जाति हैं, हम पवित्र जाति हैं, हम उसके निज प्रजाओं का दिखाई देते हैं. Saint Paul and other saints went to a city. The people there told, the people those who make the world upside down have come here. जब पौलुस और उसके साथी लोग एक नगर में गए थे, तब वहां के लोगों ने कहा, देखो ये ऐसे लोग आए हैं जो जगत को उल्टा पुल्टा कर देते हैं. Most all the people in the world are standing upside down and you are the only one standing right side up, what will happen? मान लीजिए संसार के सारे लोग उल्टा खड़े हुए हैं और यदि आप ही हैं जो सीधा खड़े, तो क्या होगा? All will say you are upside down. वे सभी लोग कहेंगे कि आप ही उल्टे खड़े हैं. The Bible says when Saint Paul and others who were right side up when they are, all those who were upside down told, you are the one who is upside down, or come here. बाइबल कहती है कि जब पौलुस और उसके साथी लोग ऐसे शहर में पहुंचे जहां के सारे लोग उल्टी चाल चलते थे, वे पौलुस को देखकर कहने लगे कि ये वे लोग आ गए जो कि जगत को उल्टा कर देते हैं. Beloved ones, we need more such upside down people. प्रिय लोगों, हमें ऐसे अधिक लोग चाहिए जो उल्टा पुल्टा करने वाले हों. How many of you would like to be upside down for Jesus? आप में से कितने लोग यीशु मसीह के लिए उल्टा होकर दिखाई देना चाहते हैं? Beloved ones, when Paul became a sober man, the people told he was exceeding mad. प्रेरित पौलुस जब सचेत अवस्था में आया, तो लोगों ने उसको देखकर कहा कि एक पागल व्यक्ति है. It is good to be mad for Jesus. यीशु के लिए पागल बनना अच्छी बात है. Bible says the spiritual man is mad. बाइबल कहती है आत्मिक व्यक्ति पागल ठहरता है. Oh, it is good to be mad for Jesus. यीशु के लिए पागल बनना अच्छी बात है. You know, mad people have no worry at all. क्या आप जानते हैं पागलों को कोई चिंता नहीं होती? You ask the mad people, have they got any worry? They say they don't have any worry. आप पागलों को पूछ के देखिए, उनको कोई चिंता है क्या? वे लोग कहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है. But once when we in the spiritual sense become mad for Jesus, then we have nothing to worry in the world. प्रिय लोगों, जब हम आत्मिक रूप से पागल होकर बदल जाते, फिर हमको संसार में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं रहता. एंड बिफोर आई क्लोज, आई वुड लाइक टू come to the word that how do we experience all these seven wonders in our Christian life. समाप्त करने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में किस प्रकार में सात आश्चर्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं. But once we may experience all these wonders so that we may become a wonder for the glory of God. प्रिय लोगों, हम एक आश्चर्य बनने के लिए इन सारे आश्चर्य को हम अनुभव कर सकते हैं. And the key for all these seven wonders to experience, it's the first wonder. इन सारे सात आश्चर्यों के लिए जो कुंजी होकर दिखाई देती है, वो पहला आश्चर्य है. We already learned the most wonderful gift of Jesus is grace of God. परमेश्वर का सबसे जो अद्भुत बात होकर दिखाई देती है, परमेश्वर का अनुग्रह करके हमने देखा. Through the grace we experience all these things. अनुग्रह के द्वारा हम इन बातों का अनुभव करते हैं. You may ask, how do we get this grace? आप पूछ सकते हैं कि कैसे हम इस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं. Beloved ones, we can receive riches of grace today. हाँ प्रिय लोगों, हम उस अनुग्रह के धन को प्राप्त कर सकते हैं. Turn with me to Ephesians chapter 1 verse 7.
इफिसियों की पत्री पहला अध्याय के सातवें वचन की ओर आएं। In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके इस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Riches of grace and forgiveness of sin connected together. अनुग्रह का धन और अपराधों की क्षमा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Beloved ones, riches of grace is connected with forgiveness. प्रिय लोगों, अनुग्रह का धन ये क्षमा से जुड़ा हुआ है। Today, if you have to experience the riches of grace, understand the depth of the grace in forgiveness. आज यदि हमें उसके अनुग्रह के धन को अनुभव करना है तो उस क्षमा में दिखाई देने वाला जो धन है उसको हमें समझना होगा। And the Lord Jesus Christ forgave us. He forgave us by His grace. जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्षमा किया तो अपने अनुग्रह के द्वारा हमको क्षमा किया। That Christ-like forgiveness will make our life real heaven. वो मसीह के समान जो क्षमा है वो हमारे जीवन को स्वर्ग होकर बदल देगी। Some of you might have read in the newspaper that a great saintly man called Richard Wurmbrand died last month. आपने पिछले दिनों में समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक भक्त रिचर्ड वुमब्रांड की मृत्यु हुई। He was in Romanian communist prison for 14 years. वो 14 वर्षों तक रोमानिया में साम्यवादी बंदीगृह में दिखाई दिए। One day, the very communist captain who put him in the prison also landed in prison. एक दिन वो साम्यवादी कप्तान जिसने उसको बंदीगृह में डाला था वो भी उसके साथ बंदीगृह में आ गया। Richard was shocked and asked, "Sir, you put me in the prison. How did you come into prison?" रिचर्ड ने उससे पूछा, आपने तो मुझे बंदीगृह में डाला था, अभी आप कैसे इस बंदीगृह में आ गए? You know the answer the communist captain gave? आप जानते कि वो साम्यवादी कप्तान ने क्या उत्तर दिया? I also became a Christian. That's why the government put me in the prison. मैं भी एक मसीह व्यक्ति बन गया, इस कारण से सरकार ने मुझे भी बंदीगृह में डाल दिया। Communist captain killed so many Christians, put in prison so many Christians, and he became a Christian, and then government put him in prison. ये साम्यवादी कप्तान ने कितने ही मसीहों को मार डाला था, कितने ही मसीहों को उसने बंदीगृह में डाल दिया था, लेकिन बाद में ये स्वयं मसीह बन गया, इस कारण से सरकार ने इसको पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया। रिचर्ड वुमब्रांड आस्क्ड, सर, हाउ डिड यू बिकम ए क्रिश्चियन? रिचर्ड वुमब्रांड ने पूछा, श्रीमान, आप किस प्रकार से मसीह बने? इट इज अ हार्ट टचिंग स्टोरी। वो एक हृदय विदारक की घटना है। दैट कम्युनिस्ट कैप्टन टोल्ड हाउ ही बिकेम ए क्रिश्चियन। वो साम्यवादी सेनापति ने बताया कि वो स्वयं कैसे मसीह बन गया। There was a little boy there in that land where his mother was killed by this communist captain. उस देश में एक छोटा लड़का था जिसकी माँ को साम्यवादी कप्तानों ने मार डाला था। That little boy, every birthday of the mother, he used to make a bouquet of flowers and give to the mother. वो छोटा बालक अपने माँ के जन्मदिन के समय प्रतिवर्ष अपनी माँ को फूलों का एक गुलदस्ता का भेंट के रूप में देता था। His mother was killed by this communist captain. The next birthday of the mother came. साम्यवादी कप्तान के द्वारा उस माँ की मृत्यु के पश्चात वो माँ का जब अगला जन्मदिन आया, The boy was very sad. What is the use of making a bouquet now? वो लड़का बहुत उदास हो गया कि अभी गुलदस्ता बनाने से क्या फायदा? He thought, anyway, every birthday of my mother I used to make a bouquet. Now I will make a bouquet. And lay it on the grave of my mother. उसने सोचा कि प्रति वर्ष मैं अपनी माँ के लिए गुलदस्ता बनाता हूँ, इस साल में मैं गुलदस्ता बनाकर अपनी माँ की कब्र पर रख दूंगा। Made a beautiful bouquet and he was going to the cemetery. उसने एक सुंदर गुलदस्ता बनाया और वो कब्रिस्तान की ओर जा रहा था। All the time he was thinking about his mother. पूरे समय वो अपने माँ के बारे में भी सोच रहा था। One thing that mother told really struck him, son. You must love your enemies. That is what Jesus taught. लेकिन उसकी माँ ने उसको जो एक बात बताई थी वो उसको स्मरण आई कि माँ ने उससे कहा था कि बेटे तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए, वही यीशु ने सिखाया है। He really wanted to obey what mother told. माँ ने जो कहा सचमुच वो उसकी आज्ञा मानना चाहता था। He started thinking, who is my enemy? फिर उसने सोचना आरंभ किया कि मेरा शत्रु कौन है? The one who killed my mother. हाँ, मेरी माँ को मारने वाला ही मेरा शत्रु है। I want to love the one who killed my mother. जिसने मेरी माँ को मार डाला मैं उसको प्रेम करना चाहता हूँ। Then he got an idea. फिर उसको एक विचार आया। If I will lay this bouquet on the grave of my mother, mother is not going to enjoy that in heaven. यदि अब इस माँ की कब्र के ऊपर मैं इस गुलदस्ते को रखूंगा तो माँ तो इसे स्वर्ग में अनुभव नहीं कर पाएगी। I must give this bouquet
टू द वन हु किल्ड माई मदर सो दैट आई कैन शो लव टू हिम। मेरी माँ के हत्यारे को मुझे गुलदस्ता देना चाहिए ताकि मैं उसके प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकूँ। He turned back from going to the cemetery with great difficulty. Finally, in the city, he found the communist captain's office. कब्रिस्तान से वो वापस लौटा और बहुत अधिक मुश्किल के पश्चात उसने कैसे भी उस सेनापति के घर को ढूंढ निकाला। And he went to the office and told sir, please receive this bouquet. उसने उसके कार्यालय में जाकर उससे कहा, श्रीमान कृपा करके इस गुलदस्ते को ग्रहण करें। He was a cruel man. He asked, what good thing have I done for you? For you to give me this bouquet. वो तो एक गरीब व्यक्ति था, उसने इस व्यक्ति लड़के को देखकर पूछा, मैं तो एक साधारण से व्यक्ति, मैंने तेरे लिए क्या भलाई की है। Sir, today is my mother's birth. श्रीमान आज मेरी माँ का जन्मदिन है। Her birthday is every time I used to give a bouquet. प्रतिवर्ष उसके जन्मदिन में मैं उसको गुलदस्ता भेंट करता था। But you killed my mother last year. लेकिन पिछले वर्ष आपने मेरी माँ को मार डाला। I was on the way to put this bouquet on the grave of my mother. मेरी माँ के कब्र के ऊपर इस गुलदस्ते को रखने के लिए मैं जा रहा था। I remembered what my mother taught me, son. Love your enemies. That is what our God taught us. तब मार्ग में मुझे स्मरण आया कि मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया था, बेटे जैसे हम मेरे यीशु ने हमें सिखाया उसी प्रकार से हमें अपने शत्रुओं को प्रेम करना चाहिए। Therefore, please receive my bouquet so that my mother will be happy in heaven. Because I obeyed my mother. इस कारण से कृपा करके इस गुलदस्ते को ग्रहण करे ताकि स्वर्ग में मेरी माँ इसको देखकर आनंदित हो सके क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा मानी। That boy told this, you know what happened to the captain? जब लड़के ने ये बातें कही तो क्या आप जानते कि उस कप्तान को क्या हुआ? God heart that man's heart was melted. वो कठोर हृदय वाले व्यक्ति का हृदय पिघल गया। Never learned heard about it, loving the enemies. All the communists they learned was to kill the enemy. उसने कभी शत्रुओं को प्रेम करने के बारे में सुना नहीं था। साम्यवादी लोगों ने केवल यही सीखा था, अपने शत्रुओं को नाश करना है। Instead of taking the bouquet, the captain took the boy into his hands. गुलदस्ता लेने की बजाय उस लड़के को कप्तान ने अपनी गोद में ले लिया। Son, from today, your mother's God is my God. बेटे आज से लेकर तुम्हारी माँ का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। To love the enemies, I want to do that. शत्रुओं को प्रेम करने के लिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ। He became a strong Christian for Christ in Romania. रोमानिया में मसीह के निमित्त वो एक सच्चा मसीही बन गया। And the government put him in prison. फिर सरकार ने उसको बंदी गृह में डाल दिया। That is, beloved ones, that what that mother taught, that every one of us should be like that mother to live and to teach that forgiving love of Jesus. प्रिय लोगों, जैसा उसे माँ ने सिखाया तो उसी प्रकार से हमें भी उस माँ के समान होना चाहिए। सभी को हम यीशु मसीह को प्रेम करके और क्षमा करने के, शत्रुओं को प्रेम करके उनको क्षमा करने के लिए सिखाना चाहिए। वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस रिचेस ऑफ ग्रेस, बिलवड वंस, वी मस्ट लव आवर एनिमीज क्राइस्ट लाइक लव। प्रिय लोगों, यदि हमें अनुग्रह के धन को अनुभव करना है तो जैसे यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं को प्रेम किया वैसे हमें भी अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। हाउ मच यू लव योर एनिमीज, दैट मच ओनली यू लव जीसस। जितना अधिक आप अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं उतना ही आप यीशु से प्रेम करेंगे। When we have that forgiving love of Calvary, I tell you, beloved one, Christian life will become very easy. जब कलवरी का क्षमा करने वाला जीवन हमारे अंदर होगा तो निश्चय ही जो मसीह जीवन है हमारे लिए मधुर होकर बदल जाएगा। If your neighbors are not saved, if your friends are not saved, many others are not saved, perhaps you have not shown Christ-like love which that mother taught the boy. यदि आपके पड़ोसियों ने, यदि आपके मित्रों ने, यदि दूसरे लोगों ने अभी तक उद्धार प्राप्त नहीं किया है तो शायद जैसे उस लड़के को उसकी माँ ने सिखाया तो उसी प्रकार से आपने दूसरों को मसीह का समान प्रेम प्रकट नहीं किया होगा। I have seen so many people as they forgave others, their sickness healed also. मैं कितने लोगों के बारे में ध्यान किया है जब उन्होंने अपने शत्रुओं को क्षमा किया उनकी बीमारी से उनको चंगाई मिल गई। वन डायबिटिक पर्सन इंस्टेंटली गॉट हील्ड एज ही फॉरगेव अदर्स। मधुमेह की बीमारी से पीड़ित वो व्यक्ति ने जब दूसरों को क्षमा किया तो उसने स्वयं पूर्ण छुटकारा प्राप्त किया। फॉरगिवनेस एंड हीलिंग दे गो टुगेदर बिलीवर्ड वन। प्रिय लोगों, क्षमा और चंगाई मिलकर जाते हैं। एंड एज आई क्लोज माय वर्क, अपने शब्दों को समाप्त करने के समय, वी वांट टू एक्सपीरियंस द ग्रेस ऑफ गॉड। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करना चाहते हैं, मे बी यू मे बी सफरिंग विद सम सिकनेस, शायद आप किसी बीमारी से कष्ट उठा रहे होंगे।
How you can be healed. अभी प्रभु आपको चंगा कर सकता है. Medicines and doctors and operations may fail, but Jesus never failed. शायद दवाइयाँ और डॉक्टर और ऑपरेशन सब असफल हो जाए, लेकिन यीशु कभी भी असफल नहीं करेगा. It may be shocking to you, but let me tell you from the Bible that in the Bible the word medicine is witchcraft. शायद सुनने में आपको अचंभित होकर दिखाई देता होगा, लेकिन पवित्र शास्त्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ, दवाई शब्द के लिए जो मूल अर्थ है वो जादू टोना है. I have no time to read, but you can make a note. Galatians chapter 5 verse 20. पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप लिख के रख सकते हैं गलतियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 20वां वचन. Revelation 18:23. प्रकाशित वाक्य 18:23. These verses witchcraft or sorcery mention, you read any Bible dictionary, the original word pharmakia or its medicine. जहाँ कहीं भी ये जादू टोना के विषय में लिखा है, इन सभी शब्दों में देखने से इब्रानी भाषा में फार्माकिया लिखा है, जिसका अर्थ है दवाई करके कहा गया या जादू टोना है. इन अदर वर्ड्स, ट्रूली बिलवड वंस, व्हेन यू टेक मेडिसिन यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद विचक्राफ्ट और सोर्सरी. दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड से. दूसरे शब्दों में प्रिय लोगों, जब आप दवाई लेते तो आप जादू टोने की बातों में, तंत्र मंत्र की बातों में जाके दखल देते करके आप समझना चाहिए. टुडे आई रिक्वेस्ट यू गिव अप द विचक्राफ्ट and trust in Jehovah Rapha, the healer divine. आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सारे जादू टोने की बातों को दूर करके ईश्वरीय वैद्य यहोवा रफे का पे ऊपर विश्वास करें. डेडिकेशन नाउ इटसेल्फ द लॉर्ड इज एबल टू हील यू. अभी अपने आप को समर्पण करें, निश्चय प्रभु आपको अभी चंगा करेगा. ग्रेस ऑफ गॉड दैट ब्रिंगेथ सल्वेशन हैथ अपीयर्ड अनटू ऑल मेन. अब मनुष्य के उद्धार का कारण होकर दिखाई देने वाला परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है. इट शैल बी योर स्टैंड अप, द टाइम इज अप. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अभी समय हो गया. द ग्रेस ऑफ गॉड दैट ब्रॉट सल्वेशन हैथ अपीयर्ड अनटू ऑल मेन. परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है. ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कम फॉरवर्ड अस मच. सारे भाई बहन जितना हो सकता है आप कृपा करके आगे आइए. दोस हु आर आउटसाइड द चेयर्स, आई थिंक देयर इज इनफ रूम, कम इनसाइड फॉर फ्यू मिनट. जो बाहर खड़े हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, मैं सोचता हूँ अंदर काफी जगह, कृपा करके आप लोग भी अंदर आ जाइए. प्लीज कीप कमिंग. आई रियली बिलीव ऑल दीज 7 wonders इन द वर्ड ऑफ गॉड कैन कम टू यू एंड मी. कृपा करके अंदर की ओर आते रहिए. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन में दिखाई देने वाले ये जो 7 आश्चर्य की बातें, वो निश्चय ही आपके जीवन में आ जाएंगी, आप उसे प्राप्त कर सकेंगे. रिसीव द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, द ग्रेस ऑफ गॉड. परमेश्वर का अनुग्रह जो सबसे बड़ा दान है उसको प्राप्त कर लें. ग्रेस ऑफ गॉड अपीयर्ड अनटू ऑल मेन, बिलवड वंस, ऑल ऑफ अस who are standing here, the grace of God wants to be bestowed. प्रिय लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह सबके ऊपर प्रकट हुआ. यहाँ पर खड़े हुए हम सबके लिए परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट करना चाहता है. That grace will save you and heal you. वो अनुग्रह आपको चंगा करेगा, आपको उद्धार करेगा. That grace will change you. वो अनुग्रह आपको बदल देगा. Grace will change you when Jesus comes. जब यीशु आएगा वो अनुग्रह आपको बदल देगा. Receive the riches of grace now. अभी उसके अनुग्रह के धन को पा लीजिए. रिसीव द रिचेस ऑफ ग्रेस नाउ. अभी अनुग्रह के धन को पा लीजिए. रिसीव अनॉइंटिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. परमेश्वर के अनुग्रह से अभिषेक को पाले. रिसीव हीलिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. परमेश्वर के अनुग्रह से चंगाई को पाले. रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आवर लेट आवर लाइफ बी ट्रांसफॉर्म्ड. परमेश्वर के अनुग्रह को पाले, हमारा जीवन बदल जाए. ओपन योर हार्ट एंड ओपन योर माउथ. अपने हृदय को खोले, अपने मुंह को खोले. क्राई फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड. परमेश्वर के अनुग्रह के लिए पुकारे. ग्रेस ग्रेस ग्रेस. अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह. ग्रेस ग्रेस ग्रेस. अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह. एवरीथिंग बाय ग्रेस. सब कुछ अनुग्रह के द्वारा है. हालेलुया 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 हालेलुया. ओ द मोस्ट वंडरफुल गॉड, Thou art a great and a marvelous wonder. Thy grace is a wonder, Lord God. Thy sacrifice at Calvary is a wonder, O God. Yea, all that Thou hast done is a wonder. And Lord, Thou art making us a wonder also, O God. And we just glory in this great grace and the great work You are doing. O God, receive all the glory and all the praise forever and forever in Jesus' precious name. And now, God, keep us for the rest of this day in the grace of Jesus Christ. The love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Hallelujah.